क्या आप भी अपने फेसबुक पर किसी भी फोटो को प्राइवेट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं फेसबुक पर हम अपनी फोटो को कैसे प्राइवेट कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलीप और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल दिलीप यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का टेक्निकल दिलीप यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना फेसबुक को ओपन करना होगा। तो चलिए हम अपना फेसबुक को ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अपना फेसबुक को हम ओपन करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अपना फेसबुक को ओपन कर लिया हूँ। और फेसबुक को ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल को ओपन करना होगा। तो चलिए हम अपना प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं। प्रोफाइल को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे थ्री लाइन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको ये थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अपने प्रोफाइल में मैं आ चुका हूँ, यानी कि मेरा प्रोफाइल खुल चुका है। तो इस प्रकार से आप भी अपने प्रोफाइल को खोल लीजिएगा। और प्रोफाइल को खोलने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना होगा। और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोटोज़ का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ पर क्लिक करना होगा। फ़ोटोज़ पर क्लिक करने के बाद आप अपने फेसबुक पर जितना भी फ़ोटो अपलोड किए होंगे वो सब का फ़ोटो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जितना भी फ़ोटो अपलोड किए हुआ हूँ, यहाँ पर मेरा सब फ़ोटो यहाँ पर शो हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से मेरा हमको कोई भी फ़ोटो को हाइड करना है, यानी कि प्राइवेट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो चलिए हम वीडियो को मैं आपको बता देता हूँ जो आपको कैसे कीजिएगा। तो मान लीजिए कोई भी यहाँ से मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यही फ़ोटो मैं एक सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो इस प्रकार से आप भी अपना फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री लाइन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको ये थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एडिट पोस्ट प्राइवेसी। तो आपको यहाँ पे एडिट पोस्ट प्राइवेसी पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सी मोरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे सी मोरो पर क्लिक करना होगा। और सी मोरो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओनली मी पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे ओनली मी का मतलब ये हुआ, जो आपके सिवा ये फोटो दूसरा कोई नहीं देख सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने फोटो को अपने ओनली मी क्लिक कीजिएगा, यानी कि तो इसके बाद आपका फ़ोटो कोई दूसरा नहीं देख सकता है। यानी कि ये जो मेरा फ़ोटो है ओनली मी पे सेव हो चुका है, यानी कि ये फ़ोटो को मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं देख सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने फ़ोटो को प्राइवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे जो फ़ोटो को प्राइवेट कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।